leads to question number 15 of exercise 9a, that is congruence of triangles and inequalities in a triangle. Question number 15 is, in the given figure, friends pehle figure de rakhi hai, to figure bana lete hain. Ye de rakhi hai a b c and d, aur ye yahan o se join hai ye, right friends, aur ye yahan a se aur ye b se, right. अब देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं. इन द गिवन फिगर ओ इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी. ओ एक पॉइंट है अंदर ए बी सी डी स्क्वायर के बीच में. सच दैट ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट मीन्स तीनों साइड्स इक्वल हैं इसकी, राइट. शो दैट OCD is an isosceles triangle. ये isosceles triangle मतलब हमें ये और ये equal proof करना है. तो कैसे करेंगे देखिए, given ये हमारे equilateral triangle है. Equilateral का मतलब है OA equals to AB equals to OB, right friends, तीनों sides equal हुई. हमें to prove क्या प्रूफ करना है, ये दैट दिस इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ओ सी डी ट्राइंगल इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, राइट फ्रेंड्स. आइसोस्केलेस ट्राइंगल कब हो सकता है, जब अगर हम ओ सी इक्वल्स टू ओ डी प्रूफ कर दें तब भी हो सकता है आइसोस्केलेस ट्राइंगल, राइट. नाउ प्रूफ, प्रूफ के लिए देखिए हम कौन कौन से ट्राइंगल्स लेंगे. ओ सी इसमें आ रहा है और ओ डी यहाँ आ रहा है, तो हम ये दो ट्राइंगल्स लेंगे, राइट फ्रेंड्स. तो इन ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल ओ ए डी, राइट फ्रेंड्स. अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिए ये इसके इक्वल है, दैट मीन्स ओ बी इक्वल्स टू ओ ए गिवन है, राइट फ्रेंड्स, गिवन. अब ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गई, कैसे, बिकॉज स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं. तो बी सी इक्वल्स टू डी ए, राइट फ्रेंड्स, ये भी गिवन है, गिवन हो गया. अब नेक्स्ट थिंग क्या आएगी फ्रेंड्स, देखिए अब ये हमें पता है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है स्क्वायर. For example, angle DAO, DAB is equals to 90 degree because it's a square, right friends, square है. अब DAB किस किस को join करके बनता है, DAB equals to DAO, angle DAO plus OAB, angle OAB. अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, राइट फ्रेंड्स. ये हुआ 90 डिग्री का, डी ए ओ निकालना है हमें, और ये हुआ हमारा 60 डिग्री का, राइट फ्रेंड्स. तो ये कितना आ गया, एंगल डी ए ओ कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री आ गया ये वाला, ये एंगल हमारा 30 डिग्री. सेम केस इज विद दिस ऑल्सो, एंगल ए बी सी 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये स्क्वायर, राइट. अब एंगल ए बी सी किस किस को मिलके बना, ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी, राइट. अब ये कितना था 90 डिग्री, ए बी ओ कितना हुआ 60 डिग्री क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, प्लस एंगल ओ बी सी, तो एंगल ओ बी सी कितना आ गया 90 माइनस 60, दैट इज 30 डिग्री आ गया. तो दैट मीन्स ये दो एंगल्स भी इक्वल हो गए, ये वाला और ये वाला, तो एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ ए डी कितना है 30 डिग्री, प्रूव्ड.
प्रूव्ड हो गया, तो जब ये प्रूव्ड हो गया तो ट्राइंगल ओ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए डी हो गया बाई कौन सा रूल, दो साइड्स हैं एक एंगल है, तो एस एस क्राइटेरिया हो गया, राइट फ्रेंड्स। अब जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके पार्ट्स भी हमारे इक्वल होंगे, तो हम ये कह सकते हैं ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी, ओ सी इक्वल्स टू ओ डी बाय सी पी सी टी सी, राइट फ्रेंड्स। कॉन्ग्रुएंट पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब जब ये दोनों इक्वल हो गए तो हेंस ओ सी डी, ट्राइंगल ओ सी डी इज एन आइसो स्केलस ट्राइंगल आंसर। थैंक यू। इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।